तो यहां से यहां तक का इसका रिटार्डेशन कितना हो गया दैट इज इक्वल टू v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2as तो रिटार्डेशन जो हो गया वो हो गया 60 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर अपॉन 2s ठीक अब हमें यहां निकालना है तो मान लो इसका स्पीड यहां पर v है तो मैं लिखूंगा फाइनल वेलोसिटी v स्क्वायर एट c इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 60 के स्क्वायर माइनस 2a टू एस बाई टू ठीक है तो वी स्क्वायर ऑफ सी इज इक्वल टू सिक्सटी का स्क्वायर माइनस आप अगर देखें टू एस का वैल्यू ये तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर ऑफ सी इज इक्वल टू सिक्सटी का स्क्वायर माइनस ये होगा थर्टी सिक्स हंड्रेड इसको लिखो थर्टी सिक्स हंड्रेड माइनस थर्टी सिक्स हंड्रेड माइनस सिक्सटीन हंड्रेड बाई टू तो कितना हो गया दो हज़ार बाई टू एक हज़ार तो यहाँ से एक हज़ार सब ट्रेक करना है हमें है ना छत्तीस सौ माइनस सोलह सौ तो दो हज़ार बचेंगे तो दो हजार बाई दो एक हज़ार तो ये हो गया आपका ट्वेंटी सिक्स हंड्रेड और इसका अंडर रूट लेंगे तो ट्वेंटी सिक्स हंड्रेड का अंडर रूट कितना आएगा लगभग पचास के पास आ जाएगा अब क्योंकि पच्चीस सौ होता तो पचास आता छब्बीस सौ तो पचास से ज्यादा ले लो तो फिफ्टी पॉइंट नाइन मीटर पर सेकेंड सो राइट आंसर इज टी ऑल द बेस्ट